आज के इस वीडियो में हम आज आपके साथ एक बहुत सीक्रेट मेडिसिन आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिससे आपका हेयर फॉलिंग में हेल्प मिलेगी और आपका हेयर रीग्रोथ होगा। ये आज सबसे बड़ा फैक्टर है कि लोग हेयर फॉलिंग से परेशान हैं और हेयर रीग्रोथ करना चाहते हैं। हेयर रीग्रोथ का एक ये जैपनीज सीक्रेट है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम टू डॉक्टर हुसैन्स यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर मुशफिक हुसैन फ्रॉम डॉक्टर हुसैन्स एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक भोपाल। आज के इस वीडियो में रीग्रोथ की बारे में बात करने वाले हैं। तो ये एक सीक्रेट है जिसको अगर आप डे बाय डे यूज़ करते हैं तो आपको हेयर रीग्रोथ होता है और आपका हेयर हेल्थ इम्प्रूव होता है। इसके लिए सिंपल है, एक अनियन लेंगे और उस अनियन को ग्रेट करके उसका जूस निकाल लेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून हम राइस लेंगे, इसके साथ 1 टेबल स्पून फिनेग्री सीड लेंगे, साथ में हम 4 से 5 क्लोव्स लेंगे और इन लौंग लेंगे और इनको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। पानी में डाल के अच्छे से बॉईल कर लेंगे और इस जूस को हम कोकोनट ऑयल, जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, जो इसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव नहीं होते, उस कोकोनट ऑयल में मिला लेंगे और एक स्प्रे बॉटल में बना के रख लेंगे। जब भी हम हेयर वॉश करें, ज़रूरी नहीं कि हम हफ्ते में, जब भी हम 3 दिन में वॉश कर रहे हैं या जब भी हम वॉश करें उसको, हम अपने बिफोर वॉश उसको हम अपने पूरे हेयर्स पे अच्छे से अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद फिर हम किसी भी माइल्ड शैम्पू से हम वॉश कर देंगे। तो ये हमारी हेयर रीग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये हमारी हेयर को रीग्रोथ भी करेगा, हेयर का जो DST ब्लॉकिंग है उसको भी दूर करेगा और हेयर की हमारी लेंथ बढ़ाएगा। कुछ नेचुरल चीज़ें भी हम यूज़ करते हैं हेयर रीग्रोथ के लिए और हेयर फॉलिंग रोकने के लिए। उसमें एक सबसे इजीली अवेलेबल रहने वाली है वो है रेन वाटर। रेन वाटर जो हमारे सबको आजकल के मौसम में तो सबके पास इजीली अवेलेबल है, इसमें बहुत हाई रिच मिनरल पाए जाते हैं। वो इससे अगर आप हेयर वॉश करते हैं तो काफ़ी हद तक आप हेयर फॉलिंग से बच सकते हैं और आपका हेयर हेल्थ भी इम्प्रूव होता है। क्योंकि ज़्यादातर हेयर फॉलिंग जो होती है वो उसका एक कॉज होता है कि हम टैप वाटर ना यूज़ करके हार्ड वाटर ट्यूबवेल का पानी यूज़ कर रहे होते हैं और उस ट्यूबवेल के पानी की वजह से भी हमारा हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो जिन जगह पे हार्ड वाटर यूज़ किया जाता है तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हम इसे रेन वाटर को स्टोर करें और इससे हेयर वॉश करें। और जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि आप अपनी एक हैबिट बना लें कि जब भी आप हेयर वॉश करें कुछ ना कुछ नेचुरल DIY ज़रूर ट्राई करें, बिफ़ोर वॉश भी यूज़ करें और आफ्टर हेयर वॉश कर लें। तो उसके बाद आप एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा या एलोवेरा जेल ज़रूर लगाएं। तो ये आपके हेयर को बहुत हेल्दी भी रखेगा, साथ में आपके हेयर को एक टेक्सचर देगा, शाइनी भी देगा हेयर। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।